राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? आज मुझे घर से निकले हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, मतलब लगभग 48-49 डेज हो गए हैं। और तो आज मैं निकल चुका हूँ, अभी आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि धूप भी निकल आई है और रात में कपिल भैया के साथ में रुके थे, तो अभी उनके साथ में जस्ट वो उधर साइड निकल गए, मैं इधर साइड निकल गया, तो बस उन्हीं के साथ में निकला हूँ मैं अभी। तो अब चलते हैं, अपने आगे का रास्ता देखते हैं। ये रहा रास्ता, चलो भाई चलते जाओ आगे, कहीं चाय देखते हैं, चाय बिस्किट पीते हैं, चाय पीते हैं बिस्किट खाते हैं और फिर चलते जाते हैं, चलो। तो गाइस मुझे होटल मिल गई और पीछे गुप्पा का दरबार था, तो मैं वहाँ दर्शन भी कराया और मस्त यहाँ पे होटल मिल गई, तो चाय पीते मजे से, बिस्किट खाते हैं, फिर आगे के लिए निकलते हैं। गाइस देखो मस्त चाय भी आ गई है, बिस्किट भी आ गए, दो दो और बड़े गिलास में चाय भी आ गई है। चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। आज तो वैसे भी थोड़े से लेट ही हैं अपन, चलो चाय बिस्किट खाते हैं और निकलते हैं फिर आगे के लिए। चाय बिस्किट मैंने पी लिया और एक एक्स्ट्रा ये बिस्किट भी ले लिया, धूप बहुत तेज हो गई है, चलो इस रास्ते पर अपन को जाना आगे, तो चलो चलते जाते हैं भाई सीधे सीधे। तो गाइस अब मैं नेशनल हाईवे त्याग के, मतलब नेशनल हाईवे छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ गाँव के रास्तों से और स्टेट हाईवे से, क्योंकि रात में मुझे वो कपिल भैया मिले थे तो उनने बताया कि अगर वहाँ से जाओगे गांव के रास्तों से उनसे जाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ लोग मिलते हैं, बातचीत होती है तो अच्छा लगता है। और ये तो यार है, हाईवे पे तो मैं चलते जाता था, बस चलते ही जाता था सीधे सीधे, तो उनकी एडवाइस को मैंने माना है और उन्होंने बोला था, तो अब मैं सीधे गाँव के रास्तों से और ये स्टेट हाईवे से जा रहा हूँ। तो अब चलो देखते हैं इनका, देखते हैं कि मतलब अगर 3-4 दिन देखूँगा, जैसे मैं मुझे वहाँ जाना है, मेरे ज्योतिर्लिंग पे जा रहा है, वैरुल गांव में जा रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र में वैरुल गांव, और जो कि संभाजी नगर है, छत्रपति संभाजी नगर, उसके 30 किलोमीटर उधर है, तो मैं यहाँ से सीधा वहीं जा रहा हूँ वैरुल गांव में। तो देखते हैं कि वहाँ तक, मतलब 3 दिन ये ऐसे चल के देखूँगा मैं गाँव के रास्तों से और ये स्टेट हाईवे से, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इनसे ही जाऊँगा, फिर आगे का सफ़र इनसे ही करूँगा, नहीं लगेगा तो फिर अपना सीधा फिर हाईवे पकड़ेंगे। तो चलो भाई चलते हैं। गाइस मैं महाराष्ट्र में एंटर हो चुका हूँ, जैसे कल मैं एंटर हो चुका था और अभी मैं यहाँ नाश्ता करने बैठा हूँ एक होटल पर, बढ़िया सी होटल दिख रही है, मस्त यहाँ पे अभी नाश्ता देखो क्या मिलता है, यहाँ पे मस्त नाश्ता मिल रहा है, पूड़ी वगैरह, और उधर की पूड़ी अलग थी यहाँ की अलग है, तो मस्त मैं अभी दिखाता हूँ, मस्त खाते हूँ फिर उसके बाद में आगे के लिए निकलते हैं। गाइस ये देखो भाई मेरी थाली आ गई है भाई, 4 पूड़ी, 2.5 सब्जी, पावर है, 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 मजे ही मजे भाई, महाराष्ट्र में तो और अच्छा खाना मिलता है। और ये जो घर पे पूड़ी बनती है ना, उनके जैसी खुशबू आ रही भाई, बहुत अच्छी, मतलब महाराष्ट्र में एंटर होते ही मज़ेदार खाना मिलने वाला है मुझे, चलो मस्त इसको खाते हैं फिर आगे के लिए निकलते हैं। तो गाइस चलो नाश्ता वास्ता हो गया अपना, सब कंप्लीट हो गया, अब यहां से निकलते हैं सीधा आगे के रास्ते के लिए। ये देखो ये रहा रास्ता, ये छोटा सा शहर है यहाँ पे था, अब निकलते हैं अपन सीधा आगे के लिए, चलो भाई। गाइज मैं महाराष्ट्र में जैसे ही आया, महाराष्ट्र में आने के बाद मुझे एक और अलग चीज दिख गई, दिखाऊं क्या? देखो भाई सामने भिंडी के खेत हैं, भिंडी भिंडी ले लो भिंडी भाई, भिंडी के खेत हैं इधर भी मस्त भाई, देखो अभी तक अपन ने ठेलो भी रखी, देखिए मैंने तो भाई पहली बार खेत में लगी, देखिए देखो भाई मस्त लगी हुई है, देख रहे हो भाई महाराष्ट्र में एंट्री होते ही भिंडी दिख गई खेतों में, बढ़िया मजे करते करते जा रहा है भाई। ये देखो रोड है और मस्त, मैं तो गांव के रास्तों से जा रहा हूँ मजे से, ऐसे दिखते रहते हैं। ये देखो ये सोयाबीन लगा हुआ है, हाँ सोयाबीन है, ये इधर भिंडी लगी, इधर सोयाबीन लगा है, चलो भाई चलते हैं ऐसे ही भिंडी खा, वो भिंडी आलू देखते हुए और क्या है, मजे करते हुए चलो। तो गाइस मैं जा रहा था और मुझे रास्ते में दुकान दिख गई, और भाई दुकान पे जलेबी भाई, जलेबी मस्त, और भैया यूपी से है, भैया ने मुझे इतनी सारी जलेबी दे दी, तो भाई चलो जलेबी भी खाते हैं फिर आगे के लिए निकलते हैं। तो गाइस वहाँ से मैं जलेबी खा के निकला ही था, और जलेबी खाने के बाद मेरी साइकिल का पीछे का टायर पंचर हो गया पूरा का पूरा, ये देखो चपटा हो गया, ये ख़राब भी हो गया, आज इसको चेंज कराऊंगा मैं, आगे जाके एक सिटी है वहाँ पे जाके चेंज करा दूंगा, बट ये पंचर हो गया है। तो हम ये घर में आए थे, यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा, वहाँ सामने वाले में जाता हूँ, वो सामने एक और घर दिख रहा है, वहाँ का रास्ता देखता हूँ मैं, वहाँ जाके देखता हूँ अगर कोई दिख जाएगा तो क्या होगा कि पानी मिल जाएगा तो पानी से सही से जुड़ जाएगी पंचर, हवा से नहीं जुड़ पाती, पानी में सही से दिख जाएगी पंचर जोड़ के, तो फिर थोड़ा आगे तक चल लूँगा तो उसका टायर चेंज करा लूँगा। तो चलो वो घर में देखते हैं, फिर आसपास में और कहीं देखते हैं जहाँ पानी मिल जाए अपन को, चलो चलते हैं। तो गाइस फिलहाल तो मैंने उसमें हवा भर दी है, तो अब देखता हूँ आगे, क्योंकि वो वाले घर में जाने का तो रास्ता ही नहीं दिख रहा मुझे कहीं से, आगे देखते हैं अभी हवा से, देखता हूँ कितनी दूर तक जा सकता हूँ, फिर चलते हैं, चलो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी जैसे हवा नहीं निकले।
तो गाइस अभी हवा डालने के बाद अभी तक तो बढ़िया आ गया, और आगे ढलान है तो बढ़िया चले जाएगा, बस आगे चढ़ाव होगा तो फिर दिक्कत आएगी। मतलब अभी हवा डाल ली है तो बढ़िया जा रहा है, अभी तक तो कम नहीं हुई है। चलो चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक कम नहीं होती है। चलो भाई, बाकी आज आज टायर चेंज करा दूंगा मैं आज इसका, थोड़ा डाउन लग रहा, थोड़ा नहीं डाउन तो हो गया है, तो आज उसको चेंज करा दूंगा। आगे शहर आ रहा है एक सिटी, तो वहाँ पे जाके इसको चेंज करा देंगे। चलो भाई चलते हैं। तो गाइस मैं जा रहा था, और ये बैराग नाम का एक छोटा सा शहर है, और यहाँ पे ये भैया मिले सामने खड़े ना, उन्होंने बोला कि नाश्ता करते, तो चलो मैंने बोला चलो ठीक है, तो अब नाश्ता करते हैं भैया के साथ में बैठ के, और फिर आगे नहीं निकलेंगे। तो गाइस देखो, जो मैंने अभी सुबह पूड़ी भाजी खाई थी वही पूड़ी भाजी आ गई है, और भैया के लिए भी आ गई है, भैया भी सामने बैठे हैं, और ये उनके लिए भी पूड़ी भाजी आ गई। तो बढ़िया मस्त पूड़ी भाजी खाते हैं और फिर यहाँ से आगे के लिए निकलते हैं। तो गाइस नाश्ता मैंने कर लिया, और मैं भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपने नाश्ता कराया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब चलते हैं अपन आगे के लिए, बारसी में देखेंगे। मैं टायर की शॉप पे आया था बट यहाँ पे नहीं मिला टायर, तो अब डायरेक्ट बारसी में चेंज कराएंगे, तो चलो चलते हैं। तो गाइस मुझे बढ़िया मंदिर दिख गया, साईं बाबा का मंदिर। चलो भाई थोड़ी देर यहाँ बैठ ही लेते हैं, अब आ गए हैं तो थोड़ी देर बैठ ही लेते हैं। चलो तो गाइस मैं वहाँ से निकल चुका हूँ आराम करके, एक घंटा हो गया मुझे कुछ आराम करते करते, नहीं डेढ़ घंटे बैठ लिए वहाँ पे, एक घंटे सोया, डेढ़ घंटे आधे घंटे बैठा वहाँ पे, एक दादू थे उनसे बात करते रहा। तो अब चलो चलते हैं यहाँ से, बारसी बचा हुआ 18 किलोमीटर, तो बारसी पहुँचते हैं, साइकिल का टायर चेंज कराते हैं और फिर चलते हैं आगे के लिए। चलो तो गाइस अभी मैंने सो लिया था ना, तो नींद खोलने के लिए मस्त चाय, भाई अमृतुल की चाय है ये, और ये मस्त इसको पीते हैं और फिर आगे बारसी के लिए चलते हैं, क्योंकि साइकिल का टायर चेंज कराना बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो उसका चेंज करा ही देते हैं। चलो पीते हैं और फिर चलते हैं। चलो भाई चाय तो पी लिए, अब आगे का रास्ता देखते हैं, क्योंकि 4 बज गए और अपन को वहाँ पहुँचना बारसी, तो 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, और उसके बाद में फिर टायर चेंज कराना है। चलो देखते हैं होगा या नहीं। तो गाइस मैं बारसी में एंट्री हो चुका हूँ, ये रहा मतलब अभी मेन मार्केट और दूर है, मैं जा रहा हूँ सीधा टायर वाली दुकान पे, साइकिल की दुकान पे। चलो साइकिल की दुकान देखते हैं और टायर चेंज कराते हैं। चलो साइकिल की दुकान तो मिल गई है, रिम भी टंगे हुए यहाँ पे, देखते हैं अपन साइकिल का टायर मिलता है या नहीं। तो गाइस दुकान पे आ गया हूँ मैं, भैया से पूछ लिया हमने, उन्हें बोला कि हाँ टायर मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा, तो अपन देखते हैं टायर मिल जाएगा बढ़िया, फिटिंग वुटिंग करा के और फिर चलते हैं, और आगे का रास्ता भी देख लेते हैं अपन, थोड़े बहुत कहीं आगे पहुंच गए तो अच्छा है। चलो भाई देखते हैं टायर फिट हो जाए, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस यार जिस नंबर का मुझे चाहिए था उस नंबर का तो नहीं मिला, तो चलो अब आगे देखते हैं, और आगे वहाँ मिल जाएगा तो ठीक है, चलो चलते हैं। तो गाइस बड़ी देर ढूंढने के बाद में मुझे फाइनली टायर मिल गया, और भैया ने मुझे टायर दे दिया, भैया अंदर गए, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपने टायर दिया मुझे, इतना मतलब बहुत मुश्किल से मिला है, मिल ही नहीं रहा था, और इसको टायर को लेते हैं और वो सामने चलते हैं उनकी शॉप पे, वहाँ पे फिट कराते हैं इसको। चलो भाई गाइस ये देखो मेरी साइकिल उल्टी हो गई पूरी, और ये रहा टायर, मस्त आज से नया टायर डल जाएगा भाई पूरा, तो मस्त इसको डालते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ से निकलवाते हैं। तो चलो देखो भाई फिटिंग भी होने लगी, मस्त मस्त इसको फिट करवाते हैं, आज तो कुछ नया हो गया, नया टायर डल गया भाई। तो गाइस मेरी साइकिल का टायर फिट हो गया, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, देखो वो पतला है थोड़ा सा, ये देखो मेरा टायर देखो पहले, और फिर ये वाला टायर देखो, ये थोड़ा सा पतला है, बट हाँ भैया ने बोला है कि अगर टायर को कुछ होगा तो भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्विस देंगे मेरे को, तो ठीक है, और ये अपनी कंप्लीट होने तक उसके बाद। अरे वाह यार बहुत अच्छा लगा, मैं ही हूँ। तो अभी चलते हैं, भैया को थैंक यू बोलते हैं मैं, और उसके बाद में आगे के लिए निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, एक बार और गुड लक, बहुत बढ़िया लगा, आप चार धाम कर रहे हो, अरे बहुत बहुत आपके जैसे हिंदू का प्राउड ऑफ हुई, अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अब मेरे को भी अच्छा लगा आपने मुझे टायर दिया और इतनी अच्छी सर्विस दी, बढ़िया रहेगा, ऑल इंडिया कहीं भी साइकिल को टायर को कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करना, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दूंगा। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मोस्ट वेलकम, थैंक यू गुड लक। चलो तो अब अपन आगे के रास्ते के लिए निकलते हैं, अपना टायर फिट हो गया है और अब निकलते हैं अपन आगे के रास्ते के लिए। तो गाइस वो भैया ने बताया कृपया अपन चप्पल पहन, हाँ मंदिर फोन अंदर अलाउड है, हम पकड़ लगा वीडियो, हाँ पकड़ लगा ना है, अरे बिल्कुल
पूरा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो गाइज वो वहाँ पे शॉप वाले भैया ने मंदिर बताया था मुझे, बोले यहाँ पे भगवान विष्णु का श्री नारायण का हमारे का मंदिर है यहाँ पे, तो उनके दर्शन करने चलते अपन। ये देखो भगवंत मंदिर, जय हो भगवान की। तो गाइज मंदिर अंदर तो अलाउड नहीं है, पर ये देखो श्री राम अवतार, कृष्ण कन्हैया, सारे भगवान के सारे अवतार यहाँ पे। और ये जो अंदर मूर्ति है वो है मतलब मंदिर में जो मंदिर है श्री भगवंत प्रसन्न, ये वो मंदिर है। और ये पूरा मंदिर है भाई, बहुत सही है मंदिर, बहुत सही है भाई। तो चलो अब दर्शन कर ही लिए अपन ने, अब निकलते अपन आगे के लिए, रास्ते के लिए अपन को कहीं रुकने की व्यवस्था भी देखनी है। ये देखो भाई इसके सीन देखो, एक और आ गए इस भैंस के, देखो भाई भाई कितने बड़े बड़े सींग है देख रहे हो भाई, अगर किसी में लग जाओ उसके देखो, इनके देखो भाई साहब, अगर किसी में लग जाए तो भाई सिग्नल मिल जाए उसके, तो पूरे पूरे सिग्नल मिल जाए उसके, 5G 6G सारे के सारे सिग्नल मिल जाए उसको। चलो भाई टायर डरा लिया अपन ने, बढ़िया मस्त मस्त टायर डरा लिया, बट थोड़ा सा पतला है यार ये टायर, कोई ना चलो दिक्कत आएगी तो फिर देखेंगे अपन यहाँ पे, उनने बोला उनका कार्ड भी दिया है, देखेंगे अभी तो चलो चलते जाओ आगे चलते हैं, कहीं रुकने की व्यवस्था देखते हैं। गाइस शाम हो चुकी है और पूरे बदल पिंक हो रहे हैं भाई, पिंक मस्त मौसम हो रहा है ना। और अभी बस मुझे आगे थोड़ी दूर जाना है, फिर वहाँ पे 10 पिंपल गांव है एक, तो वहाँ मंदिर वगैरह भी है। और एक जने से मतलब एक आबा मिले थे दादू, उन्होंने बोला कि उनके इधर चले ना रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, तो चलो भाई चलते हैं अपन, थोड़ी दूर है यहाँ से, चलो चलते हैं। गाइस देखो वैसे तो शॉर्टकट्स है सारे कि गांव के रास्ते बढ़िया होते, मतलब गांव के मिल जाते हैं वहाँ पे सब ठीक है, बट ये ऐसी जगह ज़्यादा मिल जाती हैं यार, कहीं 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 पे रोड तो बहुत अच्छे होते हैं जो नए डले रहते हैं, और कुछ जगह बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जगह इतने ही ख़राब होते हैं। तो अब गांव के रास्तों से जाना है तो इनको फेस करना पड़ेगा, तो चलो भाई फेस करते करते चलते हैं। गाइस देखो जैसे मैं हाईवे पर रहता था तो रात में बहुत सारी लाइटें जलती थी, पर यहाँ पे देखो सिर्फ सामने थोड़ी सी लाइटें जल रही हैं, वो भी गाँव की, जिस गांव में मुझे नाइट स्टे करना है। क्योंकि अभी रास्ते में एक अंकल मिले थे, उनने बोला कि हमारे इधर मतलब मंदिर पर रुक जाना और खाना हम खिला देंगे, चलो भाई उन्होंने बोला था आगे ये यहाँ से 1-2 किलोमीटर ही बचा होगा अब, तो उनके इधर खाना खाएंगे मस्त, मंदिर पर रुकेंगे चलो। बाकी हाँ ये नज़ारे सही है, देखो पूरे खेत ही खेत, मस्त हवा चल रही है, सामने लाइट जल रही है, ये गाँव की लाइट है। अच्छा लगा भाई आज पहले दिन तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, तो चलो भाई चलते हैं। तो गाइस जिनके इधर का वो वहाँ पे दादू ने बोला था उनके इधर मैं आ चुका हूँ और उनके घर पे ही हूँ अभी। ये देखो ये रहा घर और ये रहा भाई तवेला, मस्त भैंस है गाय सब है उनके पास में, उधर बकरी भी है मस्त है, और एक ये बुलडॉग मस्ती कर रहा है, और एक और ये बैठी हुई है यहाँ पे, ये देखो कैसी बैठी हुई है मस्त शांति से भाई, दोनों साथ में कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो बढ़िया ही यहाँ पे है, और अपन भी यहीं पे हैं, तो आज रात यहीं स्टे करते हैं और कल यहाँ से निकलते हैं। मतलब अभी गांव में गांव के रास्तों से जा रहा हूँ, तो आज का तो थोड़ा अच्छा रहा, वैसे तो आज तो मैं ज़्यादा चला ही नहीं पर आज का थोड़ा सा अच्छा रहा, तो आगे भी निकलते जाएंगे अपन, तो चलो आज रात यहीं स्टे करते हैं और फिर उसमें यहाँ से कल आगे के लिए निकलेंगे। अभी के लिए जय श्री राम।